स्टूडेंट यू वेलकम इन अवर SST क्लास आई मार्किंग सेंटर SST। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 23। इन चैप्टर नंबर 23 टुडे अवर टॉपिक इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मीडिया। सिंस द मीडिया हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। जो मीडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में बहुत हेल्प करती है। एंड देयर शुड बी द सर्टेन प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस दैट द मीडिया शुड बी फॉलो फेयर फंक्शन। इट शुड बी सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इट शुड बी ट्रू अकाउंट ऑफ न्यूज़, इनको जो न्यूज़ है उसकी सही जानकारी देनी चाहिए। इट शुड बी कीप द पीपल अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, और उनको फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी देनी चाहिए और ह्यूमन राइट के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इट शुड बी द जॉब विदाउट एनी काइंड ऑफ द बायस। एंड इट शुड बी मेंटेन द गुड फेथ ऑफ द पीपल, लोगों को उससे विश्वास किया जाना चाहिए, ऐसा मेंटेन करना चाहिए। इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटेबल टूवर्ड द सोसाइटी, और इनको सोसाइटी के अकॉर्डिंग अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी हेल्प द पीपल टू द गेट द जस्टिस विदाउट एनी पार्शली टू द राइट टू द इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब RT। इन अक्टूबर 2005 the RT pass in which the government pupil of the right to information, RT मतलब था right to information, so this act pupil less than the no demand of the happiness of the government. The government has to give the needful information, government को needful information आवश्यक, जिस information की आवश्यकता है वो देना चाहिए to the public within the 30 days. इस act के तहत 30 days का जो समय है वो निर्धारित है, टाइम ड्यूरेशन में इंफॉर्मेशन देना है विद इन द 24 आवर्स। इन केसेस, केस के 24 आवर्स में, मैटर इज सीरियस, दिस एक्ट हैज मेड द डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफिस, ये जो है वो गवर्नमेंट और ऑफिस में पास किया गया है, मोर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। एंड RT इज एप्लीकेशन टू ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट, मतलब ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जानी चाहिए। जम्मू एंड द कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भी इसमें शामिल है। The core value of the RT are accountability and the transparency and empowerment. The act was a maintained timely response to the citizen requested government information. Under the act, the all authorities must be appointed a public information officer. The request for the information in writing was submitted by the PIO, and who is provided the information to the citizen, it required by the law, and the authorities have provided the information. Authority इसकी information को provide कराती है within the 30 days and the filling form भरने के 30 दिन के अंदर अंदर। This is compulsory, ये आवश्यक है। However, this is done included the information about the कंट्री सिक्योरिटी, और ये इन्फॉर्मेशन होती है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। दिस एक्ट हैज़ हेल्प टू मेक द वर्किंग गवर्नमेंट एंड ऑफिस मोर द ट्रांसपेरेंट एंड द अकाउंटेबिलिटी। मीडिया इज जनरली नॉट इंटरेस्टेड टू द कवरिंग इशूज एंड दैट इन्वॉल्व द ऑर्डिनरी पीपल एंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देयरफॉर द सेवरल लोकल ग्रुप ऑफ द स्टार्टेड देयर ओन मीडिया, ना कुछ लोग अपने खुद के मीडिया को पर्सनली इन्वाइट कर लेते हैं। सम ऑफ दीज ग्रुप्स मस्ट बी डॉक्यूमेंट्री फिल्म यूजिंग द चीप वीडियो कैमराज और द कंडीशन फेसेस बाय द डिफरेंट पुअर कम्युनिटी। सम ऑफ देम आर द लोकल रेडियो, कुछ में से लोकल रेडियो के ऊपर हैं। इंफॉर्मेशन farmer about the prices of the different crop and advises them to the use of the seeds and the fertilizer. The newspaper called the Khabar Nehriya and has been started by the 8 Dalit women belonging to the Uttar Pradesh, and this newspaper is the fortnightly the published the bundle in the local language. Khabar Nehriya carried news about the दलित इशूज, लोकल इंसिडेंट एंड द पॉलिटिकल करप्शन। इस रिव्यू में देखेंगे द मीडिया रिफर्स टू द वेरियस वेज टू विच द
communicator society and the media act to the link between the people and the government. And the print media included the newspaper, magazine, book, periodical, journal, etc. The TV, radio, internet, etc. are called the electronic media. And the main sources of the income is the mass media, is the advertisement. Right to Information Act, RTI was passed in October 2005. क्विक रिव्यू में हमने देखा कि जो मीडिया है उसके वेरियस वेज हैं कम्युनिकेट करने के लिए, सोसाइटी को कम्युनिकेट करती है टी वी, रेडियो, न्यूज़पेपर. कुछ मीडिया है वो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच की लिंक होती है. और जो प्रिंट मीडिया है इसमें न्यूज़पेपर आ जाएंगे, मैगजीन आ जाएंगी, बुक आ जाएंगी और पीरियडिकल जनरल आ जाएंगे. टीवी, रेडियो और इंटरनेट जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहा जाता है. द इनकम का जो मेन सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट है, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो बहुत मीडिया वाले जो है बहुत कमाते हैं. और RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है और इसे पास किया गया था अक्टूबर में 2005 के अक्टूबर में लॉन्च किया गया था. वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर हियर एंड वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो. थैंक यू सो मच.